हे गाइस, आई एम निकॉन एंड यू आर वाचिंग अनन 2.0। सो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताने वाला हूँ, बट मैंने मुझे फिर दिखा कि नहीं, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में अभी जाना जरूरी नहीं है। वो हम लोग मैं एक आप लोगों को बेसिक हायरार्की बताता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे जाएंगे आगे, ठीक है ना। अभी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में नेटवर्क टाइप्स के बारे में, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों का ओएसआई मॉडल शुरू होगा। ओएसआई मॉडल में हम लोग धीरे धीरे जब लेयर लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री जानते रहेंगे, तो हम लोग साथ साथ डिवाइसेस के बारे में धीरे 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 जानते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा वेबकैम वीडियो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कुछ इश्यूज आ गए हैं मेरे साथ। तो मेरा वेबकैम वीडियो मे बी मतलब 2-3 वीडियो के बाद से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तक मैं मैनेज कर लूँ, ठीक है। तो सबसे पहला नेटवर्क टाइप्स में सबसे पहला हमारा आएगा पैन, ठीक है। सबसे पहला हमारा आएगा पैन, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, दैट इज पैन। वो कड़ाई पैन नहीं, ये बहुत अलग पैन है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारा आएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा लैन पैन हुआ, फिर अब हमारा आएगा लैन, फिर हमारा आएगा मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रो थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो तो आप लोग तो पता ही है, इग्नोर करना है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, सब में नेटवर्क एरिया और नेटवर्क तो है। अंत में हमारा लास्ट में हमारा आएगा वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। और ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। सबसे पहले हम जानेंगे पैन के बारे में, व्हाट इज अ पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है हमारा, ये जनरली हम लोगों का जो पर्सनल डिवाइसेस होते हैं, हमारे पर्सनल डिवाइसेस जैसे कि हो गए हमारे ब्लूटूथ डिवाइसेस, जैसे हमारे ईयरबड्स, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस हो गए हमारे, उस इंफ्रारेड इनेबल्ड डिवाइसेस हो गए, इंफ्रारेड पे जो काम करते हैं, इंफ्रारेड सिग्नल डिवाइसेस। आप सोच रहे हो इंफ्रारेड सिग्नल डिवाइस कौन से होते हैं, जैसे आप लोग टीवी रिमोट्स हो गए, जो टीवी के रिमोट्स होते हैं, एसी रिमोट्स हो गए, वो सारे इंफ्रारेड पे काम करते हैं, ब्लूटूथ पे काम नहीं करते वो सारे, ठीक है ना। तो इंफ्रारेड इनेबल डिवाइसेस ये सारे हमारे होते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क में। इनका रेंज क्या होता है, विथ रेंज अप टू कुछ मीटर्स तक, 10 अप टू 10 मीटर्स, 10 टू 15 मीटर्स, 100 मीटर्स, 100 मीटर्स तो में भी बहुत कम ही चीज जाते हैं, ठीक है, अप टू 10 टू 50 मीटर्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क्स का नेटवर्क होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे जानते हैं हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क हमारा होता है ये एक स्मॉल ज्योग्राफिक लोकेशन को कवर करता है, ठीक है ना। जैसे कि एक बिल्डिंग हो गया, एक ऑफिस हो गया, पूरा घर हो गया, ठीक है। ये यूज होता है पीसी को कनेक्ट करने के लिए, वर्क स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर्स को और बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। जैसे एक ऑफिस है, उसमें ये जरूरी है कि वो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हों ताकि काम करने के लिए, ठीक है ना। तो वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। द नेटवर्क इज जस्ट अबाउट डिस्टेंसेस टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ऑल अबाउट डिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसमें टेक्नोलॉजी जनरली यूज होते हैं वाईफाई, इसमें वाईफाई यूज हो गया, ईथरनेट केबल्स, ईथरनेट केबल्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे टाइप्स हो गए, ठीक है। इसमें इसका कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, लैन का, लैन के प्रॉपर्टीज में हम लोग आते हैं। तो आ जाता है हमारा पहला हाइयर हाई ट्रांसफर रेट्स, हाई ट्रांसफर रेट्स, लो लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ी में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इसका जो रेंज होता है ना, रेंज होता है इसका अप टू मान लो ना कुछ किलोमीटर तक, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे हाउस एक पूरे घर को कवर अप कर सकता है, तो अप टू सम किलोमीटर्स, ठीक है। और इसमें टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, हम बताते हैं वाईफाई और इथरनेट केबल्स, इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। लेटेंसी क्या होता है ये अभी मैं आप लोगों को सारे नेटवर्क एक एक करके बता देता हूँ, फिर मैं लेटेंसी को अलग से बता देता हूँ, ठीक।
मेट्रोपोलियन नेटवर्क, नेटवर्क दैट इज मैन। मैन में टेक्नोलॉजी कौन कौन से यूज होते हैं, सबसे पहले टेक्नोलॉजी पर ही बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी यूज होते हैं इसमें टावर्स, जैसे मोबाइल फोन टावर्स, ऑप्टिक फाइबर्स, ऑप्टिक केबल्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, ठीक है। क्या आता है, ये जनरली प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जैसे आपको मोबाइल नेटवर्क जो होता है एयरटेल में, यहाँ पे एयरटेल हो गया, जियो हो गया इंडिया में, उसी तरह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मैं अभी मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसके बारे में जानेंगे कब, जब नेटवर्क टेक्नोलॉजी का हम लोग लिंक टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे होंगे तब मैं थोड़ा बहुत, तब वही मतलब लिंक टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली ये है टोकन रिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे जब हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी जान रहे होंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसमें भी हायर हाई ट्रांसफर रेट इसमें भी होता है, हायर ट्रांसफर रेट्स, ठीक है, देन तो ये जो होता है ना लैन से ही फास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हायर ट्रांसफर रेट्स होता है, अब ट्रांसफर रेट हायर होता है तो हमारा लेटेंसी लो होता है, लो लेटेंसी, लेटेंसी क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। रेंज इसका होता है अप टू अ सिटी, ठीक है, एक पूरे शहर में ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में जो चर्चा करते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, मैन और पैन इतना इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होगा नहीं, हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे क्या चलता है, हमारा हाइयर इसमें थोड़ा सा ट्रांसफर रेट्स जो होते हैं स्लोअर हो जाते हैं, ठीक है, स्लोअर ट्रांसफर रेट्स। तो इसमें क्या होता है, स्लोअर क्या होते हैं ना, क्योंकि जैसे मुझे कोई डेटा सेट मंगाना है, कोई बहुत दूर से कोई डेटा आ रहा है और कोई डेटा बहुत नजदीक से आ रहा है, तो ज्यादा तेज कौन होगा, जल्दी कौन आएगा, क्योंकि नजदीक होगा। तो ये अल्टीमेटली डिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं इसमें, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है वाइड एरिया नेटवर्क में, क्योंकि ये वायरलेस मैक्सिमली ये वायरलेस काम करता है, ठीक है ना, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, कि कितने फास्ट जा रहा है, सिक्योरिटी मेंटेन है कि नहीं है, राउटिंग सही से हो रहा है कि नहीं, रिलायबिलिटी है कि नहीं है, सिक्योरिटी करना पड़ता, सिक्योरिटी मेजर्स चेक करने पड़ते, मतलब बहुत सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा स्लो हो जाता है बाकी दिनों से, ठीक है ना। जैसे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में भी फायरवॉल्स का यूज किया जाता है, इंक्रिप्शन मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे मान लो कि मैं किसी पे कॉल पे बात कर रहा हूँ और कोई दूसरा आदमी मेरी बातें सुन रहा है, तो वो सही नहीं, पहले फिल्म में मतलब कोई एक बात कर, दूसरा फोन उठाया, वो दोनों कनेक्ट हो गया, दोनों दूसरा भी सुन रहा है, तो ये अब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा हमारे पास बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, बेटर फायरवॉल्स हैं, इंक्रिप्शन मेथड्स अच्छे हो गए हैं, ये सारे बहुत सारी चीजें। अब हम जानते हैं रीडन, ये होता है वैन जो होता है स्लोअर ट्रांसफर रेट होते हैं, स्लोअर ट्रांसफर रेट तो हाई लेटेंसी, लेटेंसी को आप लोग अभी तो रिलेट कर पा रहे होंगे ट्रांसफर रेट से, है ना, कि जितना ट्रांसफर रेट उतना कम लेटेंसी, उतना कम लेटेंसी, है ना, तो वैसे ही रिलेट करते रहो, अल्टीमेटली है वही चीज, बस हम लोग लेटेंसी का एक जो टर्म होता है वो बेसिकली हम लोग उसके बारे में समझेंगे। इसका रेंज जो होता है कंट्री कॉन्टिनेंट तक कवर करता है, अप टू अ कंट्री, ठीक है, ये इवन कॉन्टिनेंट्स को भी कवर कर लेता है, अप टू अ कंट्री और सब कॉन्टिनेंट, ये हो गया। अच्छा, ये हमारे नेटवर्क के बारे में हो गया, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, पहले तो ये लैन और मैन को कनेक्ट करता है आपस में वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, और उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन करता है लॉन्ग डिस्टेंस में। इसमें होता है राउटिंग का यूज किया जाता है, मैं राउटिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, राउटर्स इसमें यूज किए जाते हैं, राउटर्स क्या होते हैं हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो राउटर्स क्या होते हैं ना, हाँ, राउटर्स का यूज किया जाता है। मैं राउटर से पहले आप लोगों को लेटेंसी बता देता हूँ कि मेरे पास एक ये डेटा पैकेट है, ठीक है, पैकेट स्विचिंग फ्रेम में हम लोग घुस रहे हैं फिर से, ठीक है, ये एक डेटा पैकेट है, ये दूसरा डेटा पैकेट है, ये तीसरा डेटा पैकेट है, ये सबके सब जा रहे हैं, मान लो ये डेस्टिनेशन है इसका, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये सब के सब यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है, मैं इसको डी से डिनोट करता हूँ, ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये आएगा यहाँ पे, ये मान लो कि इसको यहाँ से यहाँ, इसको इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक आने में लगा 5 मिनट, ठीक है, इसके आने के 2 मिनट बाद दूसरा डेटा पैकेट आ गया,
ठीक है, तो ये जो 2 मिनट है ना, यही हमारी लेटेंसी है। लेटेंसी बेसिकली होता क्या है कि द टाइम गैप बिटवीन टू डेटा पैकेट्स अपॉन रीचिंग डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन को रीच करने के बाद एक पैकेट यहां पहुंच गया, उसके बाद दूसरा पैकेट कितना देर में पहुंचा है, वही हमारा लेटेंसी है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक डेटा पैकेट हमारा पहुंचा, ठीक है, इसके बाद दूसरा डेटा पैकेट के 5 मिनट बाद आया। ठीक है, ये डायरेक्शन रिलेटिव है ये, ठीक है ना। ये दूसरे एक एग्जांपल देता हूं, एक डेटा पैकेट आया उसके 10 मिनट बाद दूसरा डेटा पैकेट आया। ठीक है, डेटा पैकेट मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा डेटा पैकेट्स क्या होते हैं। तो ये 5 मिनट बाद आया, 10 मिनट बाद आया, तो ज्यादा लेटेंसी किसकी हुई, किसकी ज्यादा लेटेंसी, 5 मिनट वाले की 10 मिनट वाले की? 10 मिनट वाले की। क्यों? क्योंकि ये जो है टाइम गैप ज्यादा है तो लेटेंसी हाई होगी। अच्छा, अब सोचो अगर कोई डेटा पैकेट आ रहा है 10 मिनट बाद तो वो स्लो हुआ ना, तो ये दिस इज अ वे, जितना ज्यादा लेटेंसी उतना ज्यादा स्लो, उतना स्लो नेटवर्क, और जितना कम लेटेंसी उतना फास्ट नेटवर्क। तो ये हमारा लेटेंसी यहीं पे खत्म होता है। अब हम आते हैं राउटर्स पे। राउटर्स क्या करते हैं कि ये जो डेटा पैकेट, ये जो होते हैं ना, जैसे मान लो कि ये एक डेटा पैकेट है, इसको डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 3-4 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और एक ये रास्ता है। ठीक है, इस पे यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, तो राउटर्स क्या करेंगे कि डिसाइड करेंगे किस पाथ से जाना बेटर है, भेजना इसको बेटर है। ठीक है, जैसे राउटर्स आर यूज टू राउट द फाइंड द बेस्ट रूट पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल रूट। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि मान लो इसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं, इसमें सीएसएम सीडी का यूज, सीएसएम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है ना, सीएसएम सीडी, सीएसएम इन सभी का डिटेल में लोग जानेंगे जब हम लोग ओएसआई मॉडल जान रहे होंगे तब। ठीक है ना, एक्सप्लेन मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है ना, अभी हम लोग सीएसएम सीडी ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, इतना जान लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज देखी जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा है, उस पाथ से कोई दूसरा डेटा पैकेट तो नहीं जा रहा है, ट्रैफिक कितना ज्यादा है उस पाथ में, इन सारी चीजों को देख के ये राउटर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बेस्ट पाथ होगा। ठीक है ना, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क में राउटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, फायरवॉल्स का यूज किया जाता है नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक और चीज का इसमें यूज किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क में, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये भी वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होता है। ठीक है, हम लोग अभी प्रॉपरली वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का यूज किया जाता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, ये जो होता है ना नेटवर्क में मॉनिटर करता रहता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है। जैसे इसको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मिलता है, डेटा का कोई ब्रीच हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या कहीं से लीक हो रहा है डेटा, तो ये क्या करता है, डेटा को वहीं ब्रेक कर देता है और दोबारा डेटा मांगता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कोई यहाँ पे अपने फोन से कोई फाइल मुझे व्हाट्सएप करना है किसी अपने फ्रेंड को, ठीक है, थ्रू, तो ये जाएगा थ्रू वायर नेटवर्क, क्योंकि बहुत दूर कोई दोस्त बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि यहाँ से डेटा को भेजेगा। ठीक है, ये क्लाउड पे अपलोड हुआ, अब वो क्लाउड के थ्रू यहाँ पे जाएगा कहीं पे। ठीक है, तो वो जो अगर मान लो डेटा कोई बीच आता है तो वो वहीं पे कैंसिल कर देगा उसको और फिर दोबारा डेटा को रिक्वेस्ट करेगा, तो ये दोबारा हम लोग इसको ये क्लाउड पे जाएगा, अगर क्लाउड पे अपलोडेड होगा तो क्लाउड पे अपलोड होगा, और कभी कभी फेल भी हो जाता है ना, तो यही सब कारण होते हैं। ठीक है ना, या ट्रैफिक ज्यादा होता है या फिर बहुत सारे इशू होते हैं, तो ये हमारा इस तरह से इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम काम करता है, डिटेक्ट करता है और फिर नेटवर्क को दोबारा मांगता है डेटा को। तो दिस इज इट, हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, अगले टॉपिक हमारा होगा नेटवर्क टोपोलॉजीज, तो तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।